यहाँ से चढ़ के डायरेक्ट एकदम सीधा सीधा जाएंगे, मस्त लग रहा है। और अमन को देखो, तो फाइनली गाइस नदी पे आ चुके हैं, तो सबको एक्सप्लोर करा देता हूँ नदी का। और देखो मच्छी पकड़े, मच्छी को भी आपको दिखाता हूँ। चलो एक दो मच्छी जिंदा भी है, दिखा बाबू दिखा, देख सकते। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको तो मालूम ही है मैं गांव में आया हूँ। आप देख सकते हो आज गांव का ब्लॉग होने वाला है, बहुत खतरनाक होने वाला है। और जितना भी है ना हमारे इधर खेत, आप सबको मतलब एक्सप्लोर कराएंगे, कहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, कहाँ पे नहीं जा रहे हैं, कितना खेत है कितना नहीं, आज हम लोग वही दिखाने वाले हैं। चलो पहले स्टार्ट करते हैं। गाइस यहाँ आके बहुत मजा आने वाला है। मुझे लगा था कि मैं अभी इतना ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, दो तीन चार दिन गैप कर रहा हूँ, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये मतलब ये लोकेशन देख के ना मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं गलती कर दिया, कैमरा नहीं लाया, मुझे लाना चाहिए था, लाता ना तो और मज़ा आता। अमन भी आ गया है, अमन को मतलब दो दिनों कहीं और गया था, इसके लिए मैं मतलब उतना ध्यान नहीं दे रहा था ब्लॉग में। लेकिन अब अमन आ गया है तो अमन बोल रहा है कि भाई चलो ब्लॉग में ध्यान देते हैं, तो इसके लिए अभी बना रहा हूँ। लेकिन बहुत मस्त लग रहा है, इतना मस्त लग रहा है ना आपको बता नहीं सकता हूँ, इतना अच्छा लग रहा है ना, देख सकते हो एकदम हरा भरा जगह। यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है जो हरा भरा नहीं है, देख सकते हो यहाँ पर बहुत मस्त लग रहा है, बहुत यहाँ पे ब्लॉग बनाने में भी बहुत मजा आ रहा है। Here we go. गोभी का ही पूरा खेत है, देख सकते हो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे अभी गोभी उग रहा है। इधर सरसों है ना, सरसों ना ना सरसों है, देख सकते हो उधर बकरी खा रही है, इसके लिए भगाने के लिए भाग रहे हैं अंकल, देख सकते हो गाइस कितना मस्त दिख रहा है, कितना मस्त व्यू है यहाँ का, एकदम हरा हरा। ये है रेलवे ट्रैक, यहीं से ट्रेन जाता है, जस्ट इसके आगे जाओगे तो यहीं पे स्टेशन है। आधे से ज़्यादा जन तो यहीं से जाते हैं ना, मन यहीं से जाते हैं ना, आधे से ज़्यादा जन यही रास्ते से जाएंगे, यहाँ से चढ़ के डायरेक्ट एकदम सीधा सीधा जाएंगे। यही रास्ता बहुत अच्छा लगता है जाने के लिए, लेकिन मुंबई में ऐसा जगह होगा, लेकिन वो होगा बारिश के बाद, नहीं तो रहता नहीं है ऐसा जगह वहाँ। यहाँ पे तो पूरा साल रहता है ऐसा, देख सकते हो सरसों का पूरा एकदम पीला पीला दिख रहा है, मस्त। चलो गाइस चलो आपको आप दिखाता हूँ सरसों का पूरा खेत। मेरे गांव में सबसे अच्छा ना जगह यहीं पे, बहुत शांत इलाका है, चलो आपको दिखाते आ जाओ। सबसे अच्छा जगह है, देखो वो दोनों गटर, देखो देख सकते हो आप लोग कैसा जगह है।
कम ऑन गाइस और आगे जाते हैं, इससे भी अच्छा नज़ारा दिखेगा और फोटो शूट दो तीन लेंगे, मैं और अमन लेंगे, देखते हैं अच्छा आता है कि नहीं। तो अगले साल क्या करेंगे, अगले साल कैमरा भी लेके आएंगे क्योंकि जीजा तो आ रहे हैं, जीजा को बोलते हैं एक बार कैमरा लेके आते तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। चलो अपना तो मोबाइल है ही, चलो आ जाओ देखते हैं। देखो गाइस थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा अभी भी उगा है सरसों धीरे धीरे, और बाकी इधर तो पूरा हरा हरा घास ही। चलते हैं आगे, देख सकते हैं आप लोग हरा भरा ये सरसों का खेत है, बहुत मस्त। आ जाओ दिखाता हूँ, इधर अमन ने बोला उधर तालाब है, तो पहला तालाब देख के आते हैं, बहुत मस्त नज़ारा होता है, देख सकते हो पूरा दूर तक तो कोई भी घर नहीं है, देख सकते हो कोई भी घर नहीं है, बहुत मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे जितना शांत है ना उतना बहुत अच्छा लगता है, शांत जगह पर इतना अच्छा लगता है ना आपको बता नहीं सकता। चलो चलते हैं पहले। यहाँ पे लोग मैं बैठता था बचपन में, अच्छा काल बचपन का। गाइस इतने दिन बाद नदी पे आके मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते हो आप लोग पीछे पीछे साइड कैसा मछली पकड़ रहे हैं, हम लोग भी मैं और अमन भी ऐसे मछली पकड़ते थे बचपन में यहाँ पे। अभी भले अभी थोड़ा सा बहुत चेंज हो गया है, बहुत सारा मतलब डेवलप हो गया है, लेकिन पहले का मतलब आदत अलग ही था, बहुत मज़ा आता था मछली वच्छी पकड़ने में, देख सकते हो। और भी मतलब बहुत जगह मतलब बहुत चीज़ बन चुका है इधर, बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना चीज़ बन गया, इतना अच्छा जगह बन गया है। पहला बहुत अलग था ये नदी, अभी तो बहुत मस्त बन गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद अभी चलते हैं घर पे, बहुत टाइम हो गया, कॉल भी आया था मम्मी का, चलो चलते घर पे, जब तक आपको एक्सप्लोर करा देता हूँ नदी का। बोलो देखो मच्छी पकड़े, मच्छी को भी आपको दिखा देता हूँ, इस जगह मच्छी वाला आ रहा है, यही बहुत पकड़ा है। देखो अभी भी एक दो मच्छी जिंदा भी है, दिखा बाबू दिखा, देख सकते हो भाई हाथ से पकड़ा पूरा। हाँ यहीं पे सही है। तो चलो गाइस चलते हैं घर पे अभी। तो गाइस फाइनली मैं घर पे आ गया हूँ, खाना खा लिया हूँ, रात हो चुका, अब मैं सोने जा रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा मेरे गांव का। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबा देना।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।